हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुष्मिता एंड आज मैं आप सबके लिए अगेन एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही अमेजिंग सी टॉपिक लेके आई हूँ, एक टेक्निक लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इजी है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लास्ट वीडियो में भी मेरा गला बहुत ख़राब था, इस वीडियो में भी ख़राब है, सो आप लोग को थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सो आज हम लोग बात करेंगे लेटर टेक्निक के बारे में, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लेटर टेक्निक के बारे में। कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कई लोगों ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं है तो ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। एक्स वाई जी किसी भी तरीके के विश के लिए आप इस पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं ये बोलूँगी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टेक्निक, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा लिखना, हर रोज़ घंटों लिखना ये सब पसंद नहीं है, स्क्रिप्टिंग करना पसंद नहीं है, उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा आसान एंड मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियो के लिए, एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कि टेक्निक को करनी कैसी है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक येलो शीट ऑफ पेपर, ठीक है, एंड वन रेड पेन, ठीक है। आप वाइट पेपर या ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन रेड एंड येलो का जो कॉम्बिनेशन है, रेड पेपर, येलो पेपर एंड रेड पेन, वो बहुत ही अमेजिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रिप्रोग्राम करने में ये बहुत फास्ट काम करता है, तो कोशिश कीजिए कि आप येलो पेपर ले एंड एक रेड पेन ले। नाउ बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो आपने लेटर लिखना है, ठीक है, एक जैसे हम स्कूल में लिखते हैं, ऑफिस में लिखते थे, है ना, या फिर आप कभी अपने फ्रेंड को, अपने लवर को, किसी को भी आप कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो आपको सेम टू सेम हूबहू लेटर लिखनी है, ठीक है। ये लेटर आपको किसको लिखनी है, टू द यूनिवर्स, ठीक है, सेम टू सेम आपने लिखना है टू द यूनिवर्स, ठीक है। एंड नीचे पैराग्राफ में आपको सेम टू सेम जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे ही लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो भी आपका एक्स वाई जेड विश है आप उसके लिए लिख सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपका विश है डिजायर कंपनी में जॉब, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे अपने डिजायर कंपनी में एक्स वाई जेड कंपनी का नाम लिख दीजिए, जॉब मिल गया है एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी, ठीक है, मेरी जॉब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मिली है, ठीक है, मुझे जितना पैकेज चाहिए था मुझे उतना ही पैकेज मिला है, ठीक है, मेरी वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे मेरे सीनियर्स लोग बहुत प्यार करते हैं और मेरे जूनियर्स से भी मेरी बहुत अच्छी बनती है, मेरा प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी चाहिए, ठीक है, जो भी चाहिए आपकी जॉब में, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है, आप उनको एक्सप्लेन करके उस लेटर में लिखिए विद ग्रैटिट्यूड, विद इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। साथ में एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ सपोज कि आपने पता है कि इस कंपनी में इंटरव्यू है आपका, ठीक है, पकड़ लीजिए आज से एक हफ्ता बाद आपका इंटरव्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर डेट को मेंशन कीजिए कि उतना तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखना है, इतना तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड मैंने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू दिया है, जिन लोगों ने भी मेरा इंटरव्यू लिया है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, एंड मैंने इतना तारीख को ज्वाइन कर लिया, अभी मुझे इतना दिन हो चुका है इस कंपनी में काम करते हुए एंड आई एम सुपर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपने अपने डिज़ायर पार्टनर के साथ, ठीक है, अपने डिज़ायर पर्सन के साथ शादी को मैनिफेस्ट करना है, तो आप कैसे लिखेंगे कि टू द यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मेरी उनसे शादी तय हो चुकी है, ठीक है, हमारे दोनों की फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है, शादी के रिचुअल्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, घर में बहुत खुशी का माहौल है, इस तरीके से। बट यस, यहाँ पर एक चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, फीलिंग्स, ऐसे नहीं कि आपने कोई एप्लीकेशन लिखना है, आपने लिख दिया, ख़त्म कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करनी, इसको किसी टास्क की तरह नहीं करना है, यहाँ पे आपको फुल फीलिंग के साथ करना है, ठीक है, कि आपके साथ ये सच में हुआ है तो आप कैसा फील करेंगे, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए आपने वो लिखना है, लिखते लिखते उस फीलिंग को फील करना है आपको। अब आपने लेटर लिख लिया, ठीक है, पूरे फीलिंग्स के साथ लिख लिया, अब आपको क्या करना है, आपने उस लेटर को, ठीक है, एवरी डे रात को सोने से पहले एक बार पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते अपने डिज़ायर को विजुलाइज करना है एंड फील करना है, ठीक है, खुश होना है, ठीक है। हम लोग किस चीज़ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ को पाने के लिए जो कि हमारा सपना है,
ठीक है, किसी ऐसी चीज़ को पाने के लिए जिसको पाने के बाद हम बहुत खुश होंगे, तो उस खुशी को अपने फील करना है, ठीक है, उस लेटर को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। एंड सुबह उठने के बाद भी आपको वो लेटर पढ़ना है, ठीक है। आप रात को सोने से पहले उसे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको फोल्ड करेंगे, अपने पिलो के नीचे रख देंगे, सुबह उठेंगे उसको खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, अगेन उसको फोल्ड करके अपने पर्स में या किसी सेफ जगह पे आप रख दीजिए। इस तरीके से आपने उसको डेली पढ़ना है, सुबह एंड रात को। ये आपको करना है एटलीस्ट 41 डेज, ठीक है। 41 डेज करने के बाद आपने उस पेपर को किसी सेफ जगह पे रख देनी है एंड उस चीज़ को, उस टॉपिक को भूल जाना है। ऐसा नहीं कि आप अपने ड्रीम को भूल जाए, वो तो कभी पॉसिबल नहीं, वो आपका ड्रीम है, आप उसे क्यों भूलेंगे, है ना। आपने अपने ड्रीम को नहीं भूलना है, अपने डिज़ायर को नहीं भूलना है, आपने उस टॉपिक, उस चीज़ को भूल जाना है कि मैंने ऐसा कोई लेटर टेक्निक इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया है। भूलने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे टेक्निक, दूसरे विश के लिए दोबारा इस टेक्निक को चालू कर सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। कोई भी विश के लिए आप इस टेक्निक को करें 41 डेज होने के बाद, आप चाहे किसी और विश के लिए दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उस विश को भूल जाए कि उस विश के लिए मैंने 41 डेज तक ऐसा कोई लेटर टेक्निक किया है, आप उस चीज़ को भूल जाइए, उसी को लेट गो करना बोलते हैं, ठीक है। आप उसको भूल जाइए कि मैंने ऐसा कोई टेक्निक किया था इस विश के लिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो विश है उसको पाने के लिए जो वेज है वो खुल रहे हैं एंड वो बहुत जल्दी आपके पास मैनिफेस्ट होके आ जाएगा। ये जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होते हैं, ये सब सिर्फ एक जरिया है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को रिप्रोग्राम करने का। हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें कुछ लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो बन चुका है, ठीक है। कुछ लिमिटिंग बिलीफ के साथ हम बड़े होते हैं, उन बिलीव्स को हटा के हमें अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना होता है। हर टेक्निक का गोल यही होता है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को रिप्रोग्राम करना। जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन मान जाएगा कि जिस विश के लिए, ठीक है, आप जो भी आपका विश है वो आपकी रियलिटी है, ठीक है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है, वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी है, आप ऑलरेडी उस कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा इनकम करते हैं, आपका लव लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छा है। जब इस चीज़ को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन मान लेगा, वहीं से चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। सो इस टेक्निक को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप चाहे कोई भी टेक्निक कीजिए, अगेन मैं कहूँगी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, वो खुशी को महसूस कीजिए, ठीक है, कि वाह मुझे ये चीज़ मिल गया है, इतना दिन से जो मैं चाहती थी वो फाइनली अब मेरा हो गया है। उस चीज़ को फील करते हुए किसी भी टेक्निक को कीजिए, ठीक है, सिंपल विजुलाइजेशन भी कीजिए, उसमें भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई कीजिए एंड मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू।